नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज 18 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों कल वाले वीडियो में जो हमने आपसे पूछा था, पहले वह देखते हैं। तो वह क्वेश्चन था दोस्तों, हर साल विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों विश्व छात्र दिवस है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। और ये 15 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। उनके छात्रों के प्रति लगाव को देखते हुए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। इसी प्रकार दोस्तों आज के वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान बनकर आएगा, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, इससे पहले आप इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, तो एक नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का नाम है, ट्यूनीशिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो ट्यूनीशिया में दोस्तों हाल ही में उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका नाम है काइस सैयद। तो ये काइस सैयद आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है काइस सैयद, इन्हें ट्यूनीशिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अब इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो ट्यूनीशिया का चुना गया, तो ट्यूनीशिया के बारे में जानते हैं। तो ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ पर है, ट्यूनीशिया की राजधानी दोस्तों ट्यूनिस है, और ट्यूनीशिया की जो मुद्रा है उसे हम ट्यूनीशियाई दिनार कहते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं दोस्तों, हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रपति उपचुनाव में शानदार जीत के बाद काइस सैयद को ट्यूनीशिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। स्वतंत्र कानून के प्रोफेसर के सैयद को या काइस सैयद को ने अपने प्रतिद्वंदी जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे नाबिल कारोई के खिलाफ जीत हासिल की है। उन्होंने दोस्तों 73% मतों से ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तथा चुनाव जुलाई 2019 में राष्ट्रपति बीजी केड एसएबी की मृत्यु के बाद में हुए हैं, उनकी मृत्यु के होने के बाद में राष्ट्रपति का उपचुनाव हुआ था, जिसमें 73% मत प्राप्त करके जो काइस सैयद हैं उन्होंने यह चुनाव जीता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे विश्व में यात्रियों से भरे हुए विमान में टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई है। तो पूरे विश्व में यात्रियों के भरे हुए जो विमान है उसमें टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली जो पहली एयरलाइन बन गई है वह एयर इंडिया बन गई है। तो ये एयर इंडिया इसका राइट आंसर हो गया। इसके बारे में जानते हैं कि टैक्सी बोट क्या है, था इसमें किस प्रकार इसका उपयोग किया गया है। दोस्तों एयर इंडिया पूरे विश्व में यात्रियों से भरे A320 विमान में टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। दोस्तों टैक्सी बोट का इस्तेमाल विमान को पार्किंग बे से रनवे तक खींचने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय वाहक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अश्विन लोहानी ने A1665 फ्लाइट को रवाना किया, जिसे दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर टैक्सी बोट का उपयोग करके रनवे तक ले जाया गया। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो गई। इस प्रकार दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF फाइल, यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है, तो इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस वीडियो की PDF फाइल सुबह 8 से 9 बजे के मध्य आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018-19 के लिए किन्हें चुना गया है। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान चुना गया है उनका नाम है प्रियदर्शन। तो ये डायरेक्टर है प्रियदर्शन, जिन्हें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018-19 के लिए चुना गया है। तो ये फोटो में आपको प्रियदर्शन को आप देख पा रहे हैं। अब इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो ये प्रख्यात निर्देशक और निर्माता प्रियदर्शन है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर मलयालम और हिंदी फिल्में बनाई हैं। इनको मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018-19 के लिए खंडवा MP में एक समारोह में सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों खंडवा में ये पुरस्कार क्यों दिया गया, और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है।
ये खंडवा में पुरस्कार इसलिए दिया जाता है क्योंकि खंडवा जो है वह महान गायक अभिनेता किशोर कुमार का जन्म स्थान है और 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में उनका देहांत हो गया था, इसलिए ये पुरस्कार खंडवा में ही दिया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारत से कितने विरासत स्थलों को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2019 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के लिए चुना गया है। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के लिए भारत के जो 4 सांस्कृतिक विरासत जो स्थल हैं उनको चुना गया है, तो उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये फोटो में इंडिया विन फॉर यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड के बारे में दिया गया है। अब ये 4 जगह कौन कौन सी है इनके बारे में जानते हैं। तो मलेशिया के जो पेनांग में आयोजित एक समारोह में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड की घोषणा की गई है। इनमें जो पहला पुरस्कार दिया गया दोस्तों वह है फ्लोरा फाउंटेन, जो ऑनरेबल मेंशन पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये मुंबई में स्थित है। दूसरा जो है वह है केनेसे थेलियहू आराधनालय, जो मेरिट अवार्ड की श्रेणी में आता है और यह भी मुंबई में स्थित है। तीसरा जो स्थान है वह है आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, ये दोस्तों मेरिट अवार्ड की श्रेणी में आता है और यह भी मुंबई में स्थित है। अब जो चौथा पुरस्कार दिया गया है वह दोस्तों दिया गया है IIM से विक्रम साराभाई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को यह अवार्ड दिया गया है। ये डिस्टिंक्शन अवार्ड के अंतर्गत आता है और ये अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों हांगकांग के ताइक्वान सेंटर फॉर हेरिटेज एंड आर्ट्स के नवीनीकरण को उत्कृष्ट अवार्ड मिला है, जो सभी श्रेणियों में सर्वोच्च पुरस्कार है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जॉर्जिया में भारत के जो अगले राजदूत होंगे उनका नाम होगा किशन दान देवल। तो किशन दान देवल कौन है, तो ये फोटो में दोस्तों आपको किशन दान देवल दिखाई दे रही हैं, जो जॉर्जिया के अगले राजदूत होंगे। दोस्तों ये 2003 बैच के IFS अधिकारी हैं, इनको जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में संवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। वह दोस्तों योगेश्वर सांगवान का स्थान लेंगे, यानी इनसे पहले जॉर्जिया में योगेश्वर सांगवान है वह भारत के राजदूत थे। देवल दोस्तों वर्तमान में भारतीय गणराज्य के राजदूत के रूप में कार्यरत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2019 जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीत ली है। तो 2019 की जो जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स रेस है वह दोस्तों वाल्टेरी बोटास ने जीती है। तो वाल्टेरी बोटास इसका राइट आंसर हो गया। तो ये वाल्टेरी बोटास कौन है इनके बारे में जानते हैं। तो ये फोटो में दोस्तों वाल्टेरी बोटास आपको ट्रॉफी के साथ में दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो दोस्तों मर्सिडीज के वाल्टेरी बोटास जो फिनलैंड के हैं, इन्होंने दोस्तों मी प्रांत जापान में जो सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स पर आयोजित 2019 के जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स जो रेस होती है वह जीत ली है। और फरारी के सेबिस्टन वेटल जर्मनी और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर ही रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह दोस्तों ICC रिलेटेड है। क्वेश्चन है किन दो देशों को ICC सदस्यों के रूप में फिर से शामिल कर लिया गया है। तो हाल ही में दो देश जो क्रिकेट अकादमी है ICC है उनके सदस्य बना लिए गए हैं। उन दो देशों का नाम दोस्तों जिम्बाब्वे और नेपाल। तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो गया। जिम्बाब्वे और नेपाल को पुनः है ICC के सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया गया है। अब इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये जिम्बाब्वे की टीम आप दिखाई दे रही है। तो दुबई में आयोजित एक बैठक में जिम्बाब्वे और नेपाल को ICC सदस्यों के रूप में फिर से शामिल किया गया है। दोस्तों जिम्बाब्वे अब जनवरी में ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप और बाद में 2020 में ICC सुपर लीग में अपनी जगह लेने में सक्षम होगा। दोस्तों जिम्बाब्वे क्रिकेट को इस साल जुलाई में तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सदस्यता से जो मेंबरशिप उसे निलंबित कर दिया था। और नेपाल को भी 2016 में बोर्ड के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप के चलते उसका निलंबन कर दिया था, जिन्हें अभी इनका निलंबन वापस ले लिया गया है। इन्हें पुनः ICC के मेंबरशिप में दे दी गई है या उनका सदस्य बना लिया गया है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत के लिए दुखद है। क्वेश्चन है दोस्तों 2019 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो 2019 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है उसमें दोस्तों भारत का स्थान 102वां है, यानी भारत का हंगर स्ट्राइक में श्रीलंका और पाकिस्तान से भी भारत नीचे चला गया है और 102वां स्थान है वह भारत का है। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये इंपोर्टेड देश हैं, टोटल 117 कंट्रियों में इसकी सर्वे किया जाता है। 117 में से भारत का स्थान 102वां है। तो आप सोचिए भारत कितना पीछे है। ऊपरी ऊपर जो देश आते हैं उनमें दोस्तों ब्राज़ील हैं,
जिनका 18वां स्थान है, रशिया का 22वां है, चाइना का 25वां स्थान है, साउथ अफ्रीका का 67वां, वहीं श्रीलंका अपने से कितना ऊपर है, 66वां स्थान है, नेपाल भी 73वें स्थान पर है और बांग्लादेश 88वें स्थान पर और पाकिस्तान का 94वां स्थान है, जबकि भारत देश का जो हंगर इंडेक्स है वह 102वें स्थान पर है। अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो 2019 का जो हंगर इंडेक्स आया है उसने दर्शाया है कि दुनिया भर में भूख और कुपोषण का स्तर गंभीर श्रेणी में आ गया है और भारत का जो भूख और कुपोषण का स्तर है यह सूचकांक के अनुसार भारत 30.3 के स्कोर पर 117 योग्य देशों में से 102वें स्थान पर है। दोस्तों जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके मुताबिक भारत 2010 में 95वें स्थान पर था, जिनसे गिरकर 2019 में ये 102वें स्थान पर आ गया है, जिसमें बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुसार नहीं है, बाल मृत्यु दर है वह ज़्यादा हो गई है और बच्चे कुपोषित हैं। बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित 17 देश 5 से कम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर के साथ पहले स्थान पर हैं। तो सबसे ऊपर दोस्तों बेलारूस, यूक्रेन और तुर्की, क्यूबा, ये सबसे ऊपर देश हैं और भारत का स्थान धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके सुधार के लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इनका जो नियुक्ति दी गई है ये दोस्तों ये इसमें करेक्शन करने ला आप, ये दोस्तों JSP चावला होगा, चावला यहाँ पीछे आगे आ जाएगा, JSP चावला को नियुक्त किया गया है। तो JSP चावला दोस्तों आपको फोटो में नियुक्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार ने JPS चावला, जो 1985 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी हैं, उनको वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह दोस्तों गिरिराज प्रसाद गुप्ता का स्थान लेंगे। दोस्तों चावला ने लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभालने से पहले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है, जहां वह GST के राष्ट्रीय रोल आउट से पहले GST नेटवर्क की लेखा प्रक्रिया और परिचालन के अंतिमकरण में सहायक भी रह चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय कानून मंत्रालय में नए विधि सचिव, कानूनी मामलों के जो नए विधि सचिव हैं उनकी नियुक्ति हुई है, तो उसके नियुक्ति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूप कुमार मेंदिरता को। तो अनूप कुमार मेंदिरता को यहाँ पर नियुक्ति किया गया है। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में नियुक्त किया गया है। तो अनूप कुमार मेंदिरता है, इन्हें केंद्रीय कानून मंत्रालय के नए विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह दोस्तों वर्तमान में दिल्ली में कड़कड़ुमा कोर्ट के उत्तर पूर्व जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। वह दोस्तों 30 मार्च 2023 तक या 60 वर्ष के आयु प्राप्त होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता कौन बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जोको विडोडो, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको यह भी बताना है कि कितने फॉलोवर्स के साथ में वह सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो घंटे का निशान है, बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।